हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक अननोन फैक्ट्स पर। और आज हम बात करने वाले ब्लैक होल्स के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ब्लैक होल होते क्या हैं, ये स्थित कहां हैं और ये बनते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, नासा के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल सन 1964 में सिग्रस स्वान के नक्षत्र में आकाशगंगा के भीतर पाया गया था, जिसका नाम सिग्रस अक्स 1 था। नासा के कई अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनका निर्माण विशाल तारों की मृत्यु के साथ होता है। माना जाता है कि केवल 3 से अधिक सौर द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं, जो अपने पतन के समय तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और कुछ भी बाहर निकलने नहीं देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक होल होते क्या हैं, ब्लैक होल्स क्या हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर निकल नहीं पाता है। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, जिन्हें विशेष उपकरणों जैसे कि स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आसपास के दृश्य निकायों के असामान्य व्यवहार को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैक होल की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्लैक होल स्थित कहां पे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष और आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल धनु ए सेज ए स्टार के रूप में उच्चारित की पहली तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT के खगोलविदों द्वारा प्रकट की गई थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमारे पास भी कोई ब्लैक होल स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, फरवरी 2022 तक केवल एक पृथक ब्लैक होल का पता चला है, जो लगभग 5200 प्रकाश वर्ष दूर है। तुलना के लिए सूर्य से निकटतम तारा लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अब हम बात करते हैं क्या ब्लैक होल गर्म होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल अंदर से बहुत ठंडे होते हैं लेकिन बाहर से अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। हमारे सूर्य के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का आंतरिक तापमान परम शून्य से 1 डिग्री के 10 लाखवें हिस्से के आसपास होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि आप ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो इससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते और हमेशा के लिए ब्रह्मांड से गायब हो जाएंगे। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर चली गई तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल अवलोकनीय हैं, जो ब्रह्मांड को आबाद करते हैं। नए अनुमानों के अनुसार सभी सामान्य पदार्थों का ये 1% है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक होल कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल अपने आप में पूरी तरह से काले और फीचर रहित होते हैं। हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना होने के बावजूद आकाश गंगाओं में ये हमें छोटा ही दिखाई देता है। उनका अवलोकन करना और भी कठिन हो जाता है जब वे दिग्गज धूल और गैस के बादलों में डूबे हुए होते हैं। कुछ आकाश गंगाओं के केंद्रों में ब्लैक होल भी खोजे गए हैं। ये ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं और इनमें उतनी ही मात्रा में सामग्री होती है जितनी 10 मिलियन या उससे अधिक सूर्य में होते हैं। इस प्रकार के ब्लैक होल कई मिलियन की दूरी पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक होल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 2019 में ब्लैक होल की पहली छवि M87 से ली गई थी। यदि सूर्य को एक समान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से बदल दिया जाता है तो पृथ्वी खत्म नहीं होगी, बल्कि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहेगी। HR6819 निकटतम ब्लैक होल है, जो हमारे ग्रह से सिर्फ 1000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यदि आप एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्वांटम प्रभाव घटना क्षितिज को आग की दीवार की तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, जो आपको तुरंत जला देगा। अगर कोई तारा ब्लैक होल के बहुत पास से गुजरता है तो वह टूट सकता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा होल है जो कुछ भी इसके किनारे को पार करता है वह उसको हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब आते हैं, समय का प्रवाह धीमा होता जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों,